Hello friend, today we are going to see about the definition of international law. ये हम लोगों का पहला lecture है international law पे. तो ये एक introductory lecture है international law का. पहला step है एक बहुत बड़ी building का. और ये basic है कि हम ये समझेंगे कि international law होता क्या है. और हम ये भी समझेंगे कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम है, या दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि डिफिनीशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्यों बहुत कठिन है, क्यों ये इवॉल्विंग है. हालांकि सारे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को डिफाइन करना बहुत ही कठिन है, हम लोग उसका कंप्लीटली एक्यूरेट डिफिनीशन नहीं पा सकते, लेकिन हाँ हम लोग उनका मीन्स ऑलमोस्ट एक्यूरेट डिफिनीशन पाने की कोशिश करते हैं. तो इसमें भी हम ऑलमोस्ट एक्यूरेट डिफिनीशन पाने के इंटरनेशनल लॉ की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कैसे इसकी डिफिनीशन इवॉल्व हुई और इसके नेचर से कैसे वो क्लैश की, या नेचर इसका पहले आया और डिफिनीशन बाद में आई. तो मेरा नाम है नीलमणि त्रिपाठी और ये मेरे लेक्चर का नाम है डिफाइनिंग द इंटरनेशनल लॉ, जो मैं लेने जा रहा हूँ. ये नोट्स है जिसका पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा टेलीग्राम चैनल पे भी, जिसका लिंक यहाँ दिया हुआ है और इसका लिंक साथ में डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा. तो हम इस लेक्चर को अगली स्लाइड तक या आगे बढ़ाते हैं. तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है जो कि सबके दिमाग में तुरंत आता है इंटरनेशनल लॉ सुनते ही, कि ये टूल है. किस चीज का टूल है? ये रेगुलेट करता है रिलेशनशिप एमंग द नेशंस. मींस जो नेशंस में, कंट्रीज में, देशों में आपस में रिलेशनशिप है, उसको रेगुलेट करने के लिए इसका यूज होता है और यही इंटरनेशनल लॉ है. यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेशनशिप को रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, किसके रिलेशनशिप के, कंट्रीज के आपस में, तो उनको हम इंटरनेशनल लॉ के अंदर रखते हैं. लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी ओल्ड है, इसको हम आगे समझेंगे वो कैसे है. क्लासिकल जूरिस्ट यानी कि सिंपल सी बात है, क्लासिकल का एक नॉर्मल सा मतलब है कि पुराना, जो कि अब टाइम नहीं है, जो कि थोड़ा सा विंटेज टाइम है, पुराना टाइम है, और कई लोग इसको आइडियल टाइम से भी जोड़ते हैं. लेकिन क्लासिकल जूरिस्ट कहते थे कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो रेगुलेट करता है क्या, रिलेशन स्टेट्स विद वन अनदर. मतलब वो रेगुलेट करता है जो रिलेशन स्टेट अपने आपस में करते हैं. और इंटरनेशनल लॉ को इसीलिए लॉ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है. यानी कि नेशंस के लॉ, यानी कि नेशंस को अगर आप पर्सन माने और उनके बीच का जो रेगुलेशन है, वो जो आपस में अपने इंटरेक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं, तो वो जिस रूल से कर रहे हैं वही है इंटरनेशनल लॉ. जेरेमी बेंथम सब लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिविस्ट बिफोर पॉजिटिविस्ट थे. इनको रियल फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस माना जाता है. और ऑब्वियस है कि जॉन ऑस्टिन को ज़्यादातर लोग एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस का फादर मानते हैं. तो जेरेमी बेंथम जो थे, यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट को भी इन्होंने प्रोपाउंड किया था. इन्होंने इंडिविजुअल मीन्स लॉ को थोड़ा कॉमन पीपल के लिए खोला था. जेरेमी बेंथम ने ही लॉ ऑफ नेशंस, जो कि पहले यूज होता था, उसको सबसे पहले ईयर 1789 में इन्होंने कहा इंटरनेशनल लॉ. अब इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशन में? डिफरेंस ये है कि इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ नेशन से थोड़ा इसका वाइडर एप्लीकेशन. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉ ऑफ नेशंस मीन्स कि वो लॉज, वो रूल्स, वो रेगुलेशन जो कि नेशंस के आपस में इंटरेक्शन करने को डिफाइन करते हैं, मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. लेकिन अगर कोई कंट्री इंडिविजुअल से, किसी सिटीजन से, किसी दूसरे देश की सिटीजन से, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका, जो कहीं का भी सिटीजन नहीं है, जैसे रिफ्यूजीज जिनको अपने देश ने भी छोड़ दिया है, रोहिंग्या का एग्जाम्पल आप सुनी रहे हैं, या
जो तमिल आ गए थे आपके, ये एलटीटी के का जब रिपकर्सन हुआ था, एलटीटी को जब श्रीलंकन गवर्नमेंट में 2009-2008 में काफी ज्यादा क्रश किया था, तो जो वहां से श्रीलंकन तमिल आ गए थे इंडिया, वो सब स्टेटलेस हैं, लेकिन उनके ऊपर भी लॉ अप्लाई होता है। तो लॉ ऑफ नेशन केवल लॉ ऑफ नेशन नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लॉ है जो कि नेशंस के अलावा इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होता है, और भी कई स्टेट मीन्स सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है, जिसको हम आगे देखेंगे। और यही मेन पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, और उसी से आप ये डेफिनेशंस को, इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशंस को अच्छे से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, डिफाइनिंग द इंटरनेशनल लॉ। अब ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल लॉ बहुत ही पुराना है, ग्रीक के टाइम से चला आ रहा है, रोमन्स इसको काफी ज्यादा डेवलप किए। इवन कि जब आपका डार्क इरा चल रहा था यूरोप में, फिर भी ह्यूगो ग्रोटिसियस इत्यादि टाइप के जूरिस्ट इंटरनेशनल लॉ पे लिखे जा रहे थे, लॉ ऑफ सी पे लिखा जा रहा था, पायरेट्स वगैरह तब बहुत पहले से ही डिफाइन हो रहे थे। तो इंटरनेशनल लॉ का डिफिनेशन बहुत देर से चल रही है, बहुत लोगों ने दी। हम उन सारी डिफिनेशंस पे ना जाके, चूंकि हमको इंटरनेशनल लॉ के रियल डिफिनेशन, जब मैंने वीडियो ये लेक्चर शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था मैं मोस्ट एक्यूरेट डिफिनेशंस की तरफ आपको ले जाऊंगा, तो उस मोस्ट एक्यूरेट डिफिनेशन की तरफ ले जाने के क्रम में पहले तो मैं आपको कोई ट्रेडिशनल डिफिनेशंस बताऊंगा, ये बताऊंगा कि उसमें क्या कमियां थी, उसके क्या क्रिटिसिज्म थे, और फिर उन क्रिटिसिज्म को सुधारा कैसे गया, एक नई रिवाइज डिफिनेशन बनाई गई। और वो दोनों डिफिनेशन फॉर्चुनेटली ओपेनहाइम की है। ओपेनहाइम जो थे जर्मन जूरिस्ट थे, और ज्यूस थे, यहूदी थे, और बहुत ही सेलिब्रेटेड राइटर थे ऑन इंटरनेशनल लॉ। और इन्होंने नियर अबाउट 1890 के आसपास इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया, जिसको हम ट्रेडिशनल डिफिनीशन के नाम से अभी यहां जानेंगे। ये ट्रेडिशनल है और इस इट इज नो लॉन्गर इन यू कैन से इज कंसिडर्ड वेरी गुड। तो इनका पूरा नाम था लैसा फ्रांसिस लॉरेंस ओपेनहाइम, और जनरली इन लोग इनको कहा जाता है एल, इसके जगह एल डॉट ओपेनहाइम। जब आप अपने एग्जाम्स में लिखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ एज ए होल बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये आपको यूपीएससी और भी विभिन्न राज्यों के सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में अगर आपने लॉ सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है, तो आपको इंटरनेशनल लॉ का वेटेज उतना ही है जितना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है। इवन जुडिशरी के एग्जामिनेशन में, प्री में, मेंस में, एंड देन इंटरव्यू में इंटरनेशनल लॉ काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और एनईटी नेट, यूजीसी नेट में, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में करने की एलिजिबिलिटी प्रदान करता है, उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसका क्रंच उतना ही है जितना कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है। मोर ओवर ये कॉन्सेप्चुअल है इंटरनेशनल लॉ, चूंकि इसका बहुत पार्ट आपको ज्यूरिसप्रूडेंस से आता हुआ मिलेगा, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें, इसको समझना कठिन है। और कॉन्स्टिट्यूशन से इसका ये भी अंतर है कि एक और अंतर है कि कॉन्स्टिट्यूशन अक्सर आदमी पढ़ता रहता है, इंडियन पॉलिटी लोग 12th तक पढ़ते हैं, फिर न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में, इवन आपस समाज में भी आप कॉन्स्टिट्यूशन से जूझते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस प्रोविजन देखते रहते हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया रहता है। लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ में कम आता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप आता है लेकिन इंटरनेशनल लॉ नहीं आता है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप और इंटरनेशनल लॉ में जमीन आसमान का अंतर है। और उसके बाद चूंकि हम बचपन से इसको नहीं पढ़ते, हम आके लॉ में ही पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में LLB या BA LLB या BCom या BBA LLB में, तो ये हमारे लिए थोड़ा मोड़ा नया सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको समझना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनको मोस्ट सेलिब्रेटेड मैंने आपको बताया कि अथर ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इन्होंने कैसे डिफाइन किया था, ये ट्रेडिशनल डिफिनीशन है, ये याद रखिएगा, क्लासिकल डिफिनीशन। इन्होंने डिफाइन किया कि लॉ ऑफ नेशंस, ऑब्वियस बात है इन्होंने दोनों को एक माना, आप भी एक मान सकते हैं, कई बुकों में लिखा है कि लॉ ऑफ नेशन इंटरनेशनल लॉ सिनोनिमस एक्सप्रेशन है, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा है जहां ये बताया गया है कि इंटरनेशनल लॉ का जो कनोटेशन है, मीनिंग है, वाइडर है, इसीलिए मैंने इंटरनेशनल लॉ को वाइडर कहा है।
is the name of body of customary and treaty rules. Customary तो आप जानते हैं कि कुछ ऐसे customs, कुछ ऐसे uses जो चले आ रहे हैं, जिसमें continuity है, consistency है, और जिसमें एक social, एक general acceptance है, जिसको लोगों को bound होते हैं अंदर से morally और consciously भी कि हमको इसको follow करना है, तो वही custom होते हैं. यानी कि body of और nations के बीच भी custom होते हैं, जैसे कि law of sea में कई ऐसे custom चलते हैं जिनको हमको मानना पड़ता है. आप ही लोग देखते होंगे कि ये जब फिशरी वाला, मैरीन वाला आपका नहीं, अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे लॉप सी में ही, कि जब ये कंटिनेंटल सेल्फ और इकोनॉमिक जोन ये सब डिफाइन नहीं हुआ था, उसके बाद भी जब फिश को पकड़ने हुए कंट्री की नौ जाती थी तो एक कस्टम बांध ली थी कि हमारे कंट्रीज की जो फिश आपके मछुआरे हैं वो यहीं तक मछलियाँ पकड़ेंगे और वो यहीं तक, और ये कस्टम सालों से चला आ रहा था. उसी कस्टम को कई जगह आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है लॉ ऑफ सी में. तो यानी कि इंटरनेशनल लॉ एक बॉडी ऑफ कस्टम भी है, ट्रीटी है, मतलब कि किसी स्पेसिफिक विषय पे या एक जनरल विषय पे जब दो देश या दो से ज्यादा देश एक ट्रीटी साइन करते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे एक पर्टिकुलर एक्शन लेंगे या पर्टिकुलर वे में चलेंगे, तो वो ट्रीटी हो गया. उन रूल्स से जो रूल्स निकले वही इंटरनेशनल लॉ है, और ये कंसीडर्ड किए जाते हैं लीगली बाइंडिंग. अगर नहीं किए जाएंगे बाइंडिंग तो ये लॉ ही नहीं, क्योंकि लॉ वही होता है जिसको लोग ये कंसीडर्ड करें कि वो बाउंड है वो फॉलो करने में. अगर एक जनरल पॉपुलेशन कहता है कि हम किसी लॉ को नहीं फॉलो करेंगे तो वो लॉ में कोई वैल्यू नहीं रह जाती, वो लॉ बस लिखित रह जाता और कभी डिफंक्ट कर जाता है. लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज्ड स्टेट, ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि सिविलाइज्ड स्टेट क्या है. आप जानते हैं कि ये जो ओपेनहेम थे ये जर्मन थे, यानी यूरोपियन थे, तो यूरोप में जितनी कंट्रीज हैं उनको इन्होंने सिविलाइज्ड माना, ओरिएंटल कंट्री या एशियन कंट्री इनको इन्होंने अनसिविलाइज्ड माना. इसलिए उन्होंने वो जो रूल फॉलो कर रहे हैं वो कंट्री, उनको उन्होंने इंटरनेशनल लॉ में नहीं रखा. विद इंटरकोर्स विद ईच अदर, यानी कि विद रिलेशन, विद मेकिंग रिलेशन विद ईच अदर. तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है. इसमें पहले पहले आप कुछ कमियां देख जाएंगे. पहला तो जो कमी अभी बता रहा हूँ, सिविलाइज स्टेट, ये बहुत ही वेग टर्म है. आप कैसे डिफाइन करेंगे कोई स्टेट सिविलाइज है? ओपन हीम ने किसको मान लिया कि कौन स्टेट सिविलाइज है, कौन अनसिविलाइज है? और अब तो सिविलाइजेशन का बदल गया है पूरा कॉन्सेप्ट ही. अब तो जापान ज़्यादा सिविलाइज्ड माना जा रहा है जो एक एशियन कंट्री है, ओपेनहाइम के टाइम ये नहीं था. रसिया को अनसिविलाइज्ड माना जा रहा है, ओपेनहाइम के टाइम ये नहीं था. यानी एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है. चलिए अब हम इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां रह गई. इसका जो क्रिटिसिज्म था वो ये था, पहला जो मैंने अभी आपको बताया कि रिफ्यूजीज हैं या कहीं ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है इवन सिटीजन्स के साथ भी, तो आप उनके ऊपर भी इंटरनेशनल लॉ लगता है. और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें किसी एक स्पेसिफिक पर्पस से बनाया गया है, जैसे वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक ये किसी भी देश को लोन दे सकता है, ये कहीं भी अपना ऑफिस खोल सकता है किसी भी कंट्री में, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. तो क्या ये किसी एक पर्टिकुलर देश के लॉ से गवर्न होगी? नहीं, ये एक इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होगी. ओपेनहाइम की डिफिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था. इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं की, इन्होंने केवल नेशंस की बात की. तो पहली कमी तो इनकी ये थी कि इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं की. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी राइट और ड्यूटीज मिलती है इंटरनेशनल लॉ के अंडर. राइट कन्फर्ट किया जाता है और ड्यूटी उसके ऊपर इम्पोज की जाती है. अब जैसा कि हमने अभी जस्ट बात कर लिया है सिविलाइज्ड स्टेट, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन है, तो ये भी इनके में एक कमी थी कि सिविलाइज्ड स्टेट आप किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे. तीसरी कमी, उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, कि इन्होंने इंडिविजुअल को सब्जेक्ट नहीं माना इंटरनेशनल लॉ का. तो जब इन्होंने इंडिविजुअल को सब्जेक्ट ही नहीं माना इंटरनेशनल लॉ का, तो यानी कि
इंडिविजुअल इंटरनेशनल लॉ के अंडर राइट ऑफ ड्यूटी नहीं पा सकता, जबकि ऐसा नहीं है। रिफ्यूजीज के लिए कई इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई हैं जिनमें उनको राइट और ड्यूटी उनके ऊपर इम्पोज की जाती है। और भी कई एग्जाम्पल हैं रिफ्यूजीज के अलावा, इवन जो आपके यहाँ फॉरेन विजिटर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो भी इसी के तरह है। अब आगे हम बोलते हैं जो चौथी इसका क्रिटिसिज्म, मेन क्रिटिसिज्म है, ऐसे तो क्रिटिसिज्म तो बहुत हो सकते हैं लेकिन ये चार इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है। चौथा एक क्रिटिसिज्म है बॉडी ऑफ रूल्स। अब जो बॉडी ऑफ रूल इन्होंने यूज किया है, बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल, आप जानते हैं ट्रीटीज भी बदलती रहती हैं और कस्टम तो एवर चेंजिंग होता है, तो इसमें ये स्टैटिक थोड़ा सा ये व्यू रखता है, ये स्टैटिक बना रहा है रूल्स को, जबकि ऐसा नहीं है, लॉ चेंज विद टाइम, इसलिए ये भी बॉडी ऑफ रूल्स भी बदलेंगे। अब चूंकि इसमें काफी ज्यादा कमियां थी इसलिए इसको रिवाइज करने की जरूरत हुई और इसको 9th एडिशन में ओपेनहाइम के इंटरनेशनल लॉ बुक में कि 9वें एडिशन जो कि 1992 में आया, जेनिंग ऑफ वॉट्स के द्वारा रिवाइज किया गया। और उस रिवीजन में जो ये चारों क्रिटिसिज्म मैंने आपको बताया है इसको सुधारने की कोशिश हुई। इन्होंने बोला, अब इन्होंने लिखा कि बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स, इसने ऐसा नहीं किया, इसने कहा कि बॉडी ऑफ रूल्स चूंकि वो बदल सकते हैं, विच लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट, मीन्स अब ये कोई भी बॉडी ऑफ रूल हो सकते हैं जो कि लीगली बाइंडिंग होते हैं नेशंस के ऊपर इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर, ये तो नॉर्मल लाइन हो गई। कोई भी ऐसे बॉडी ऑफ रूल्स जो कि लीगली बाउंड होते हैं स्टेट के ऊपर, वो कंसीडर नहीं करते, वो लीगली बाउंड होते हैं। अब ये रूल क्या होंगे, प्राइमरली दोज विच गवर्न रिलेशन ऑफ स्टेट, वो रिलेशन होते हैं, वो चीज होते हैं जो कि रिलेशंस करते हैं स्टेट के आपस में जो हो रहे हैं उनके, उनको गवर्न करते हैं। लेकिन इसने बोल दिया है, मैंने आपको इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, लेकिन स्टेट इज नॉट द ओनली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, स्टेट ही केवल सब्जेक्ट नहीं होता है, और कौन कौन होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, मैंने आपको बताया जैसे वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ETC, और टू द सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक, पूरी तरह नहीं, कंप्लीटली नहीं, कुछ ही केस में इंडिविजुअल भी सब्जेक्ट होते हैं जिनको राइट कन्फर्ट किया जाता है और जिनके ऊपर ड्यूटी इंपोज की जाती है बाय इंटरनेशनल लॉ। ये अभी तक की मोस्ट एक्यूरेट तो नहीं लेकिन एक एक्यूरेट डिफिनेशन मानी जाती है। लेकिन जब आप अपनी वर्क बुक पढ़ेंगे, इंटरनेशनल लॉ के डिफरेंट वर्क बुक मार्केट में है, उसमें जो मोस्ट एक्यूरेट डिफिनीशन बताई गई है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वो है स्टार की, जेजी स्टार की डिफिनीशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इट इज कंसीडर्ड द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट डिफिनीशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आप देख रहे हैं ये बुक है, चलिए इस डिफिनीशन को हम लोग देखते हैं। स्टार्क ने यह डिफिनीशन दी और उसको कैसे डिफिनीशन दी, आप देखिए ये कट रहा है, जिसको मैं जब इस वीडियो का लेक्चर मैं पोस्ट करूंगा तो वो आ जाएगा आप लोगों के, उसमें PDF में रहेगा, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। इसका है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ, इनकी बुक का नाम था, उसमें 11th एडिशन था, उसमें इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को कैसे डिफाइन किया है हम ये समझेंगे। इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइंड, देखिए ये ह्यूमनिटी सब्जेक्ट है इसलिए इसमें बड़ी कंफ्यूजन है, इनकी कंप्लीटली श्योर नहीं हो पाया, इन्होंने लिखा मे बी डिफाइंड बॉडी ऑफ लॉज, ऑब्वियस सी बात है बॉडी ऑफ लॉज जिसमें कंपोज रहता है ग्रेटर पार्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ कंडक्ट, मतलब कैसे कंडक्ट करना है, किससे, विच स्टेट फील्स, जिसको स्टेट फील करते हैं बाउंड टू ऑब्जर्व, कि उनको उनको ऑब्जर्व करना है, कॉमनली
ऑब्जर्व इन देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर, वो कॉमनली मतलब जर्नली करते हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली करते हैं। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और फिर से मैं आपको ये डिफिनीशन दिखाऊंगा, और उसमें नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ में हम ये देखेंगे क्या इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है भी कि नहीं। आप इसमें जो मैं देख रहे हैं, स्टेट फील्स देख रहे हैं, मतलब लॉ तो वन पर्सन हैज़ टू बी बाउंड बाय लॉ, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे वॉलेंटरली एक्शन है स्टेट का कि वो माने चाहे ना माने, और इसी से सारी कंफ्यूजन है नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी ये डेफिनेशन देखते हैं। देयरफॉर डू कॉमनली ऑब्जर्व देयर रिलेशन विद, मतलब वो कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं अपना रिलेशन विद ईच अदर, उन बॉडी ऑफ लॉ जिनसे वो फील करते हैं कि हम इससे बाउंड हैं, एंड मतलब आपस में भी उसको ऑब्जर्व करते हैं, आपस के रिलेशन में भी और किसके रिलेशन में भी। द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन विद स्टेट एंड इंडिविजुअल। अब इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ये आपको क्लियर ही हो गया होगा, मैंने कई बार बता दिया। सर्टेन रूल रिलेटिंग टू इंडिविजुअल और नॉन स्टेट एंटिटी, यानी कि जो स्टेट नहीं है, सो फॉर एज द राइट ऑफ ड्यूटी एन इंडिविजुअल ऑफ नॉन स्टेट एंटिटी आर कंसर्न टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब वही रूल फॉलो करेंगे जो कि रूल अप्लाई होते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी पे भी और इंडिविजुअल पे भी और ऑर्गेनाइजेशन पे भी। यहाँ हमारे इस लेक्चर का अंत हुआ। आपको मैं थैंक यू कहूँगा कि आपने मुझे टाइम दिया, मेरी बातें सुनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नील नोट्स को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सिस्टमाइज ढंग से पूरा आपके सामने कंप्लीट इंटरनेशनल लॉ के सारे लेक्चर ग्रेजुएट लेवल तक, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ बहुत ही ब्रॉड है, इसमें बहुत ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ग्रेजुएट लेवल जो कि ज़्यादातर कम्पिटेटिव लगभग 99% कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके सिलेबस मतलब 99% कम्पिटेटिव एग्जाम में सिर्फ उतना ही पूछा जाता है जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा ग्रेजुएट लेवल। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन, और इस लेक्चर का नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल नील नोट्स पे पाएंगे। गुड डे, टेक केयर।